हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिवम ऑटोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और कैसे डिसाइड करें कि इस कंपनी में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। शिवम ऑटोटेक लिमिटेड के कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कंपनी कब शुरू हुई, कौन है इसके प्रमोटर्स, कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे, प्रॉफिट रेवेन्यू के बारे में बताएंगे हम आपको, कंपनी कितना डिविडेंड देती है और कंपनी में क्यों खरीदारी करनी चाहिए और क्यों खरीदारी नहीं करनी चाहिए। शिवम ऑटोटेक लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं आप। लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है नियर नेट सेफ टेक्नोलॉजी, लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसमिशन गियर एंड शाफ्ट्स बनाती है कंपनी और इसकी इमेज आपके स्क्रीन के सामने है। हाई स्पीड फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी पर कंपनी काम करती है। नियर नेट सेफ टेक्नोलॉजी फॉर कोल्ड, हॉट एंड वार्म फॉर्मिंग करती है कंपनी। फीचर्ड कैटेगरी में कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। ट्रांसमिशन गियर एंड सॉफ्ट्स बनाती है, स्टार्टर मोटर कंपोनेंट्स बनाती है, अल्टरनेटर कंपोनेंट्स बनाती है, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स भी कंपनी बनाती है। शिवम ऑटोटेक लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसमिशन गियर्स एंड शाफ्ट्स इन इंडिया। The company has been serving a large number of automobile manufacturers as their principal component partner for the past 20 years. तो पुरानी कंपनी है, 21 ईयर से कंपनी कारोबार कर रही है और ऑटोमोबाइल की जितनी भी लीडिंग कंपनियां हैं उनको प्रोडक्ट सेल करती हैं। हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम, द कंपनी एम्प्लॉइज 3000 प्लस पीपल एंड क्वालिफाइज इट्स कैपेबिलिटीज टू ग्रो एंड सस्टेन इन द फास्ट चेंजिंग ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। आप जानते हैं तेजी से ऑटो इंडस्ट्री चेंज हो रही है, उसमें ये कंपनी ग्रो कर रही है और सरवाइव कर रही है। इससे कंपनी की कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। अवार्ड्स एंड एक्सेलेंस में कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस इन क्वालिटी डेस्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2016 की तरफ से अवार्ड दिया गया है। क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है आपको। Our quality policy very simple, put in to achieve customer satisfaction through consistent quality products and timely delivery. इनके clients जो हैं well known automobiles companies हैं जैसे कि Next Year, Precision, Swaraj, PSA, Avtek, SEG, Bosch, Hero जैसी well known automobile companies इनकी clients हैं। तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी के प्रोडक्ट्स हम आपको दिखा चुके हैं, इनके कोल्ड फोर्जिंग्स, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे। इनके पास है कोल्ड फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग, टूल रूम, हॉट फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड मशीनिंग के बारे में बात करेंगे हम। तो कोल्ड फोर्जिंग के बारे में जानेंगे आप। The company undertakes cold, hot and warm forgings operation for varied product demand. Cold forming, for customized cold forming jobs, the company has sourced the latest technology based 5-station high-speed cold part former from Nets of Belgium. Hot forming on the other hand is done using 3 stations. Heat burp automatic hot former with high part output up to 125 parts per minutes. Warm forming is a new technology that combines the advantage of both cold and hot forming. तो इस तरह से कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन करती है। मशीनरी के बारे में बात करेंगे। Optimal product quality and finish is ensured in the machine section which is equipped with state of the art machinery. It comprises CNC turning Centers from Majak, Japan, VMC, Brother, Japan, along with other special purpose machines. तो ये थी कंपनी की मशीनरी की जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी, कंपनी के प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाना चाहेंगे, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। ये बनाते हैं ट्रांसमिशन गियर एंड शाफ्ट्स, स्टार्टर मोटर कंपोनेंट्स, अल्टरनेटर कंपोनेंट्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ईपीएस कंपोनेंट्स, एल्युमिनियम फोर्जिंग पार्ट्स भी बनाती है कंपनी। तो ये थे कंपनी के प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज व्हाट ड्राइव्स आवर क्वालिटी पॉलिसी। तो वी एट शिवम ऑटोटेक लिमिटेड एम्प्लॉय अ स्ट्रिंजेंट quality policy that includes practices like 5S, Cajun and Poka Yoke as an interesting part of our work culture। तो कंपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, 100% कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं ये। अब हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी में निवेश करने के पहले आप कैसे इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। शिवम ऑटोटेक की शेयर प्राइस है 39.90, इसमें 0.87% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक में आज के दिन। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, 1 वीक में 0.25% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में शानदार रिटर्न पेश किए हैं कंपनी ने 21.58% के, 1 ईयर में 69.85% की तेजी दिखा चुका है ये स्टॉक, 3 इयर्स में 95.33% के शानदार रिटर्न दिए हैं, 5 इयर्स में 38.66% की गिरावट है और सिंस इंसेप्शन 147.09% की रिटर्न है। टेक्निकल चार्ट हम आपको दिखाएंगे और इससे पता लगाएंगे कि आगे इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 200 MA के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, शेयर प्राइस चल रहे हैं, 50 MA का सपोर्ट है, यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला है 50 MA का और 62 का RSI है। एक हाई वॉल्यूम बायर्स का नज़र आ रहा है यहाँ पर और स्टॉक में आगे तेज़ी बनी रहने की उम्मीद है। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको तेज़ी दिखा सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस देखिए 52 वीक लो 19.55 है, 52 वीक हाई 44.70 है, 52 वीक हाई से गिरावट हो चुकी है, बड़ी गिरावट है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेडिंग हो रही है, 85,898 का वॉल्यूम है और वैल्यू ट्रेड हुई है आज के दिन 0.34 करोड़ की। फंडामेंटल्स देखेंगे 492 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, पीबी रेशो 3.62 है, इंडस्ट्री पी 44.72 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का पी नहीं दिया हुआ है। डेट टू इक्विटी 2.87 है। अगर किसी की डेट टू इक्विटी 1 से अधिक है तो ये बहुत ही ज़्यादा दबाव हो जाता है कंपनी पर कर्ज का। तो कंपनी पर भारी भरकम कर्ज है और ये एक नेगेटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, ये दूसरा नेगेटिव फैक्टर है। ईपीएस भी नेगेटिव है इनका, डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू 11.08 की है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल्स इनके काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल देखिए, रेवेन्यू लगभग फ्लैट बने हुए हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। प्रॉफिट जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो चुके हैं, तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है इनके प्रॉफिट में। नेटवर्थ में तेज़ी नज़र आ रही है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। ईयरली टाइम फ्रेम पर देखें इनके नेटवर्थ लगातार गिर रही थी, अब एक अच्छा इंप्रूवमेंट 2022 में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट इनके काफ़ी समय से नेगेटिव चल रहे थे लेकिन अब नेगेटिव प्रॉफिट कम हो रहे हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू इनके लगातार गिर रहे हैं साल दर साल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शिवम ऑटोटेक लिमिटेड के नाम से है, कंपनी स्थापित हुई 2005 में। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीरज मुंजाल हैं। NSE सिंबल शिवम ऑटो के नाम से है, कंपनी दोनों में ही लिस्ट है, BSE और NSE में, दोनों में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 74.80% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 25.19% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.01% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक हैं संवर्धन, मदरसन, सुमी इंटरनेशनल, बोश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, सोना, बेल्डोल, प्रिसीजन फोर्जिंग्स, भारत फोर्ज, मिंडा इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं जिसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी में क्या इवेंट्स हो रही हैं, क्या न्यूज है जो आपको जानना चाहिए। तो बोर्ड मीटिंग 30 मई 2022 हो चुकी है। कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज है, तो अभी कोई करंट न्यूज नहीं निकल के आ रही है। अब हम इसका शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। हम आपको कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में बताएंगे। तो कंपनी की स्ट्रेंथ है इफेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इम्प्रूविंग। कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इम्प्रूव कर रही है अपने प्रॉफिट को, कैपिटल का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण इसका ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हुआ है। वीकनेस इसकी 5 है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है। रेड फ्लैग है कंपनी पर हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग्स। कंपनी की जितनी अर्निंग नहीं है, कंपनी की जितनी अर्निंग है उससे ज़्यादा कंपनी जो है इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो जो कि कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है। और ऐसी रेड फ्लैग की कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जिसमें एक रेड फ्लैग हो। ऐसी कंपनी में आप क्यों निवेश करेंगे जो कि जितनी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी से आपको बचना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इनके पास, स्टॉक विथ लो PE। इनका PE जो है 10 से कम है। ऐसी कंपनियां बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं जिनका PE 10 से कम होता है। थ्रेड की बात करेंगे, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू। इनकी रेवेन्यू कम हुई है, डी ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू कम हो रही है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रही हैं रिसेंट क्वार्टर में और रिसेंट जो एनुअल रिजल्ट्स होते हैं उसमें। तो आप देख रहे हैं कंपनी में निगेटिविटी तो ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है, तो ऐसी कंपनियों से बचें और शानदार फंडामेंटल्स की कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। तो इस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है और क्यों नहीं करना है ये भी हमने आपको बता दिया है। आप वॉलेट इन्वेस्टर की वेबसाइट पर हैं, आप करंट प्राइस है 40.45, 1 ईयर फोरकास्ट है 39.93। तो कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है इसकी स्टॉक प्राइस में ग्रो होने का, और 5 ईयर्स में 42.622, तो लंबे समय में भी, लॉन्ग टर्म में भी आप ये अच्छे रिटर्न जनरेट करके आपको नहीं दे सकती है। तो इस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है और साथ ही इस तरह की फंडामेंटल वाली कंपनियों में भी आपको निवेश नहीं करना है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही एजुकेशन से भरा होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा कि फंडामेंटल किसी कंपनी की कैसे चेक करें और किन फंडामेंटल्स की कंपनियों में आप निवेश करने से बचें। तो शिवम ऑटोटेक के एग्जाम्पल से आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। साथ ही ये वीडियो जो नए इन्वेस्टर्स हैं और पुराने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी सीख है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें निवेश आपको नहीं करना है, आप फंस सकते हैं, आपका लॉस हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे कि अपनी वो मेहनत की कमाई को बचा सकें डूबने से। साथ ही ऐसे वीडियो जानना चाहते हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सके, तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमारे कोर्स में। आपकी कोई स्टॉक रिलेटेड क्यूरी है, आप हमसे पूछना चाहते हैं कि स्टॉक में बाई, सेल, होल्ड या एग्जिट क्या करना चाहिए, हमारी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।